आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी क्वेश्चंस इससे बनते रहे हैं हमेशा और बनते रहेंगे आगे भी। या फिर इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तब भी अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के बारे में एक सामान्य जानकारी तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्र गान क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस तो मालूम होना चाहिए। यकीन मानिए आप लोग कि आपके गली छाप नेताओं से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, या फिर आप किसी भी नेता को चुनते हैं, उनमें से अधिकतर नेताओं को इनके बारे में भी मालूम नहीं रहता है। आप लोग कई बार न्यूज में देखते रहते हैं, कोई पत्रकार पूछता है कि आप लोग राष्ट्र गीत सुना दीजिए, तो आप समझिए वो उसमें भी बहाना बनाकर निकल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जीएसटी का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि जीएसटी का मतलब क्या होता है पूरा नाम, तो उन्हें वो भी मालूम नहीं था। और जो सपोर्ट कर रहे थे जीएसटी को, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, तो उनमें से भी अधिकतर लोगों को जीएसटी के पूरे मतलब पूरा नाम क्या है इसके बारे में मालूम नहीं था, ठीक है। तो इन सब के बारे पॉइंटों के बारे में आप लोग याद रखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो कम से कम आप तो पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, भूगोल पढ़ रहे हैं आप लोग, संविधान भी पढ़ रहे हैं अपना, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार भारत को देख लेते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे आप लोग सामान्यतः गोला कह देते हैं। तो इसमें आप एशिया हमारा ये है, एशिया में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत। अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका ये हो गया, म्यांमार, बर्मा ये हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। और भारत की राजधानी आप जानते हैं, नई दिल्ली है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप सागर है, ये अरब सागर है, और ये आपका हिंद महासागर है, जो हमारे देश के नाम पर रखा गया है इसका नाम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि तिरंगा है। आप लोग 26 जनवरी जब भी होता है तब आप लोग फहराते हैं ना, और या 15 अगस्त को भी आप लोग फहराते हैं। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि आप समझिए 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली हुई थी, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान आपका लागू हुआ था पूरी तरह से, गणतंत्र दिवस मनाते हैं से। तो इन 3 डेटों को भी याद रखिए, कई बार इनसे भी क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग तिरंगे को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ऊपर रंग कौन सा है, बीच में रंग इसका कौन सा है, या नीचे कौन सा रंग है, या बीच में जो गोला है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। आप लोग आराम से बैठकर गिनते रहना है, ठीक है। इसे अपने दिमाग में रख लीजिए, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सोचिए और तुरंत सही विकल्प लगा सकते हैं। सबसे जरूरी डेट है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें उठा के आप लोग देखिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उन टेस्टों को दिया करिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग का की छेदित पट्टियां हैं। एक केसरिया हो गया आपका, ये सफेद हो गया, और ये आपका हरा हो गया। देख रहे हैं आप लोग, सीधा एक अनुपात में, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, यानी कि 3 रंग वाला। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। एक बात आप लोगों को बताऊं, ये क्वेश्चंस मैंने घुमा फिरा के इसलिए लिखा है, यहां पहले हम लंबाई लिख देते उसके बाद चौड़ाई, 3:2 हो जाता, लेकिन मैंने इसलिए है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। तो चौड़ाई कितनी है, 2, और लंबाई किस अनुपात में है, 3 में। इसे याद रखिए, अगर पहले लंबाई लिख दे और चौड़ाई फिर अनुपात पूछे तो 3:2 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र भी होता है, इसे आप लोग देख भी रहे होंगे, जिसमें आपको 24 तीलियां देखने को मिलेंगी, एक 24 तीलियां देखने को मिलेंगी, गिनना आप लोग बैठ के आराम से। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है,
और तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि केसरिया रंग क्या दर्शाता है, किसका संकेत देता है, तो त्याग और बलिदान का। सफेद रंग आपका सत्य और शांति और पवित्रता का, और हरा रंग जो है ये देश की समृद्धि और विकास का प्रतीक होता है। इनको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। इसे देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, आप लोग जो सिक्का लेते हैं या नोट रहता है उस पर भी आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाता है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में से अंगीकृत किया गया था। तो ये भी कई बार पूछ लेगा आपसे कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसे कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना था, यानी कि पूरी तरह से संविधान आपका लागू हुआ था और गणतंत्र उसी दिन तो मनाते हैं आप लोग। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है और सच्चाई एकमात्र जीत, जो मुंडको उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया आपका, ठीक है। इस स्तंभ का के शिखर पर आप चार शेर देखेंगे। क्या देखेंगे? चार शेर देखेंगे जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है और संरचना के सामने इसमें धर्मचक्र कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति हिम्मत गर्व और विश्वास को प्रदर्शित भी करता है। पहिए के हर एक तरफ पर एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। तो ये हो गई आपकी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के बारे में सामान्य जानकारी, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका भारत का राष्ट्रीय गान। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाता है इस तरह का कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो याद रखिए जनगण मन। क्या है? जन गण मन। इसे आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन इसे कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और याद रखना ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था या लिखा गया था, तो ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस बन चुका है कि पहली बार ये कहाँ गाया गया था, किस सन में गाया गया था। तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता वाला सत्र हुआ था, कोलकाता या कलकत्ता वाला, ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, तब इसे पहली बार गाया गया था। इन सब इस संपूर्ण गीत या गान को गाने में आपको देखने को मिलेगा कि 52 सेकंड का समय लगता है, यानी कि इसे पूरा गाने में आपको 52 सेकंड का समय लगता है। कई बार ये भी क्वेश्चंस बन जाता है, समझ रहे हैं। इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसे भी याद रखिए। ये भारत का राष्ट्रगान है तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कहीं आप लोगों से कोई ना पूछ ले और आप रह जाएं। फिर बात करते हैं भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। आप सभी लोग जानते हैं, कहते हैं भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुनते रहते हैं, इंदिरा गांधी साहब के बारे में सुनते रहते हैं, ठीक है, इन लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें आप देखेंगे विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित लोगों को एक तरह से पुरस्कार दिया जाता है। अगर ये पूछे आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। उस समय आप जानते हैं कि पहले हमारे राष्ट्रपति साहब राजेंद्र साहब थे, ठीक है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे को मेडल दिया जाते हैं इस तरह के, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के दो छंदों को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। और वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसमें इसको वाकिम चंद चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में
1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था और इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो इसके बारे में भी याद रखिए, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है, और उनके आनंद मठ से लिया गया है। ये भी कई बार क्वेश्चंस बन गए। फिर अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये बाघ है, आप सभी को मालूम होगा, देख लीजिए ये बाघ है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। कब? अप्रैल 1973 में, ठीक है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु सिंह के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली और मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग आपको देखने को मिलेगी 20 साल की होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रेस है, ठीक है, टाइग्रेस है। ये भी कई बार पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम भी। पर तो आपको देखने को मिलेगा भारत का राष्ट्रीय फूल अगर आपसे पूछे तो ये कमल है। क्या है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो नेलियो म्बो, नेलियो म्बो न्यूसी फेरा। बड़ा अजीब नाम है, याद रखना इसे। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। और एक पार्टी को आप जानते हैं, बीजेपी का चिन्ह भी, चुनाव चिन्ह भी यही है, कमल का फूल, समझ रहे हैं। फिर आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल आम। इसे देखकर मुंह में पानी भी आ गया होगा। देख लीजिए यह है आम, अगर किसी को मालूम ना हो देख लो। आम, आम का वैज्ञानिक नाम मैन मैनजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा भी आप लोग कहते हैं और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है, ठीक है। पर आपसे अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, मोर है। याद रखिए मोर चाय, मोर श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। जो हमारा नीचे श्रीलंका है ना, पड़ोसी, उसका भी देख लीजिए ये मोर है। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गा का वाहन भी माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। याद रखिए, इसकी अगर कोई एक तरह से हत्या करता है या मारता है, शिकार करता है, तो उसे जेल भी हो सकती है, आप समझ रहे हैं। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा, हॉकी। लेकिन आप तो लोग देखते होंगे क्रिकेट ज्यादा फेमस रहता है हमारे यहाँ, हॉकी कम ही लोग खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है। हॉकी खेलने के काम भी आती है और आप लोगों ने देखा होगा कि इसे और दूसरे काम में भी यूज करते हैं, मार पिटाई में भी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, आप समझ रहे हैं, 6 बार लगातार। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? डॉल्फिन, गंगा में, नदी में आप लोग देखते हैं ना, ये देख लीजिए गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है और इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब गंगा में कुछ ज्यादा ही अशुद्धियां मिल चुकी थी, गंगा मैली हो चुकी थी, तब आपने देखा होगा कि इनकी संख्या, डॉल्फिन की संख्या में भी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछे तो वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़, आप लोग बरगद के पेड़ के नाम से ज्यादा जानते होंगे। इसमें आप देखते होंगे कि विभिन्न तरह की जड़ें निकलती हैं और बहुत ही छायादार पेड़ होता है एक तरह से, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं,
उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास भी करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और आप लोग देखते होंगे इसे हम लोग काटते नहीं है, हमारे भारत में हिंदू धर्म में काटा नहीं जाता है, इसकी पूजा की जाती है। आप देखते होंगे मंदिरों में इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो यही है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में पूछे तो रुपया है। क्या है? करेंसी के बारे में अगर आपसे पूछे तो रुपया है। अमेरिका की जिस तरह से आप देखते हैं ना कि डॉलर है, उसी तरह से हमारी मुद्रा क्या है? रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है, INR। ISO कोड इसका क्या है? INR। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है। भारतीय रुपये को देवनागरी आर, देवनागरी व्यंजन और लेटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। और 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। और 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए। भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो गंगा है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो आप भी देख कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ठीक है, यह है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी उपवित नदी है, जो कि 2525 आपको किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कई जगह 2510 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा कि पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। अधिकतर जगह आपको 2525 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए पवित्र लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। और याद रखिए आप लोग, इसका जल आप लोग कई सालों तक रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर आपसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? आप जानते हैं महात्मा गांधी हैं। और इन्हीं के बारे में आप लोगों को बड़ा, आपने देखा होगा कई बार लिखते रहते हैं, उल्टे सीधे लिखते रहते हैं लोग इनके बारे में। तो मैं आप लोगों के पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार रहे हैं, पाकिस्तान बंटवारे के लिए, तो मैं यहाँ आप लोगों से दो चार शब्द ही बोलूंगा। क्या आप समझिए, एक परिवार है, उसमें एक तरह से लड़ाई चल रही, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, तो पिता क्या करेगा उस मामले में? पिता यही करेगा ना कि बंटवारा हो जाना चाहिए, सभी भाइयों को अलग कर दिया। तो यही गांधी जी ने उस समय किया। और याद रखिए गांधी जी के बारे में, या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, या आप समझिए भीमराव अम्बेडकर साहब हो, फिर चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो, नेहरू हो, इनके बारे में जो भी अगर उल्टा सीधा लिखता है तो यकीन मानिए उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। अगर आप महात्मा इतिहास पढ़ते हैं तो आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या हमारे जो भी नेता रहे हैं उस समय के, उन्हें आप लोग गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता भी माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आपसे ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को आप लोग गांधी जयंती मनाते हैं ना, और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और याद रखिए, मैं देखिए ये नहीं हो सकती, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री हो, कोई भी किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, वो गांधी जयंती पर वहां जाकर बापू के सामने झुकते भी हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं। ठीक है, और हमने ही नहीं, दुनिया की कई देशों की विचारधारा हमारे गांधी जी, समझिए विचारधारा पर चलती है। गांधी जी की वहां मूर्तियां भी लगाई गई हैं कई देशों में। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय दिवस, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी। ठीक है,
भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को आप लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, और 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। ठीक, गांधी जी का जन्म हुआ था। ये भी कई बार पूछ लेता है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि। ठीक है, क्या है? देवनागरी लिपि। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा जाता है, तो आर्टिकल को भी याद रखिए आपको। ठीक है, फिर आपसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहा हूं, तो राजभाषा। ठीक है, आपकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। ठीक है, हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 माफ करिए 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखें। ये भी कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो यह साका कैलेंडर। ठीक है, पंचांग से लिया गया है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है 1957 में। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, और जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। ये भी कई बार पूछ लेता है। राष्ट्रीय शपथ, तो राष्ट्रीय शपथ के बारे में अगर बात करें तो ये देखते हैं कि आप लोग, राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा, और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। आप लोग देखते होंगे ना कि हमारे नेता जब भी इस तरह की शपथ लेते रहते हैं, या बच्चों को भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पेदी मरी वेंकट सुब्बा राव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान भी बनाया गया है। इसे इसलिए भी प्रावधान बनाया गया है कि आप समझिए, इससे क्या होगा कि हमारे जो भी आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो देश की एकता, अखंडता और यहाँ शांति बनाए रखने के लिए देशभक्ति दिखाने की ओर एक तरह से अग्रसर होंगे, उस क्षेत्र में उन्हें जानकारी रहेगी। ठीक है, तो यही कहानी है आपकी, भारत के जो भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनके बारे में। इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ना बने फिर भी आप लोगों को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है,